चलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंद किशोर और आप देख रहे हैं देसी खेती यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घास के बारे में जो आप फ्री में इसे ले सकते हैं, आपके एरिया में कहीं मिल जाए तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। गर्मी से बचने के लिए इसकी आप छांव बनाकर पशुओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि गर्मी बहुत कम लगती है, बिल्कुल न के बराबर। अगर आप इसका एक छोटा सा कमरा भी बना देंगे, एरो, इसको एरो बोलते हैं, एरा एरू अलग अलग नाम हो सकते हैं आपके एरिया में, ये बहुत ठंडी रहती है घास। इसकी छाँव में अगर पशुपालन किया जाए तो गर्मी में पशु हेल्दी रहते हैं, और अगर आप अपने लिए भी अगर इसकी छाँव बनाते हैं छोटी कुटिया टाइप तो ये काफ़ी ठंडा रहता है। आपको बताता हूँ इसकी बनावट कैसी रहती है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ठंडा रहता है कैसे। आखिर यहाँ गहरा बहुत है, देख सकते हैं अभी भी गहरा जा रहा है। ये देखिए इसका पौधा, इसकी बनावट आप देख सकते हैं। एक पत्ती काट के जी, ये देखिए आप इसके अंदर, ये इसको मैं चीर के दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी बनावट ऐसी है कि अंदर परतें बनी हुई है जिससे कि बाहर की हीट अंदर नहीं आती है, तो अगर आप ऊपर बहुत गर्मी भी है तो नीचे बहुत ठंडा रहता है एसी की तरह। ये गरीबों का एसी है, देख सकते हैं गहरा बहुत है। अगर इसकी आप छांव बनाते हैं तो आप गर्मियों में फ्री की एसी के, एसी से भी अच्छा 24 घंटे चलने वाला बिना बिजली का अपना कमरा बना सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी हाइट, वो ज़्यादा पानी वाले एरिया में रहता है, अपने आप उग जाता है। यहाँ पर कटाई चल रही है, ये मेरे लिए चल रही है कुएं पर छांव बनाने के लिए और जानवरों के लिए छांव बनाने के लिए। ये देखिए इसका पत्ता, हाइट देखिए आप, ये एसी की तरह ठंडा है। आप चाहे तो घूम सकते हैं हमारे फार्म को गर्मियों में, अगर आप दोस्त फ्री रहते हैं तो आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका महत्व, आपको पता चल जाएगा, अगर आपके एरिया में है तो आप इसे यूज करते होंगे। ये बहुत सारा है, फ्री में मिलता है, बस काटने की मजदूरी है। आप इसको कटवा सकते हैं मजदूर से और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, कुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। आप देख सकते हैं सीनरी बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, कुआ है और घाटियाँ है, पानी पानी है। अभी देखो आप गेहूं कट रहे हैं लेकिन पानी की देखो कितना पानी है, अभी पानी रहेगा 1-2 महीने और, अभी पानी बह रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।